नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बीटी ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं डूंगरगढ़ तहसील के बिग्गा गांव में वीर बिग्गा जी महाराज का मंदिर, जो एक भव्य मंदिर है। वो एक राजस्थान में ही नहीं पूरे विश्व में व्याख्यात हो गया। मैं दिखाने जा रहा हूँ आगे मंदिर का पूरा विवरण, जो कि मंदिर है वो एक मेला लग रहा है। आज बड़ा भारी मेला लग रहा है यहाँ पर। ये बिग्गा गांव का वीर बिगोजी महाराज का मंदिर है और मैं पूरा का पूरा वीडियो दिखाऊंगा आपको मंदिर का। ये देखिए, कार्य करता है हमारे सामने मौजूद है, अभी मैं बातचीत करूंगा। हेलो, क्या हुआ? बहुत अच्छे कार्य करता हो यार। ये सामने तो दिख रहा है वो वीर बिग्गा जी महाराज का मंदिर दिख रहा है। यहाँ पर एक बड़ा भारी मेला है। आज मेले के विषय में मैं आगे चलकर पूरा। भाई साहब कौन से गांव से आए हो? भोपाल के ढरजलानी। मेला देखने के लिए? हाँ, मेला देखने। वीर बिग्गा जी महाराज का मंदिर? बिग्गा जी महाराज पीतल माता का। तो आज ये मेला पहली बार ही लगाया कि हर साल लगता है? हर साल तो वो टाइम से लगता है, वो जिस दिन बार होता है। आज वो उच्चावरण है ना मूर्ति का। अच्छा, आज मूर्ति अनावरण है। आज यहाँ पर वीर बिग्गा जी महाराज का मूर्ति अनावरण है, इसके विषय में आज भारी मेला लग रहा है यहाँ पर। आगे जाकर मैं पूरा मेला का विवरण है वो वीर बिग्गा जी महाराज तक पहुँच रहे हैं और दिखा रहे हैं। बीटी ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल को शेयर करिए और फेसबुक को लाइक करिए और आगे शेयर जरूर करना है दोस्तों, क्योंकि हम लाते हैं अच्छी अच्छी जगह के वीडियो, अच्छे मेलों के वीडियो, अच्छे कोई इंसानों के वीडियो, हमारे राजस्थान के अंदर जो देव स्थान है वहाँ के वीडियो। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अभी सामने दिख रहा है वो मेला, बहुत भारी भीड़ है। आगे मैं आगे चलकर पूरा विवरण दिखाऊंगा मेले के लिए। भाई साहब कौन सा गांव है? कितासर। कितासर, कितासर के रहने वाले। तो आज वीर बिग्गा जी महाराज का मेला है? हाँ, वीर बिग्गा जी महाराज का मेला है। मूर्ति प्रतिष्ठा? हाँ, मूर्ति स्थापना। ये मंदिर है वो नया बना है, पहले भी था? नया बना है अभी। अच्छा, नया बना है। पहले का पुराना छोटा मंदिर था, अभी बड़ा बना है। इतने दिन हो गए मेले को चलते? करीब 12-13 साल से। बिग्गा जी महाराज की और विशेषता क्या है? बिग्गा जी महाराज गायों की रक्षा करते थे, इसलिए शहीद हो गए थे। आपका क्या नाम है? हेमराज पुनिया। आगे चलकर मैं हेमराज जी से हमारी बातचीत हुई और मैं आगे चलकर पूरा का पूरा वीडियो दिखाऊंगा। देखिए भक्तों, मेला देखिए कितना बड़ा मेला। ये बहुत भयंकर मेला, एक बहुत अच्छा मेला। ये एक विश्व प्रसिद्ध मेला जो वीर बिग्गा जी महाराज का बिग्गा गांव श्री डूंगरगढ़ तहसील के अंदर, जो आज एक बड़ा भारी मेला लग रहा है। बहुत काफी संख्या में लोग आ रहे हैं मेला देखने के लिए। महाराज बिग्गा जी की बहुत एक बड़ी महिमा बताई जा रही है, इसके विषय में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये बहुत काफी संख्या में ये बिग्गा गांव में, डूंगरगढ़ तहसील में जो बिग्गा गांव है उसके यहाँ थोड़ी कोई भी एक जैसे कोई लॉटरी वगैरह किया है या उस यहाँ पर चलकर बातचीत करेंगे, मेले के विषय में थोड़ा बातचीत करेंगे। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार सर। यही गांव है क्या? नहीं, छोटी घाटू। अच्छा, मेले के विषय में आप बता सकते हो, वीर बिग्गा जी महाराज का मेला हर साल लगता है क्या? हाँ बिल्कुल, हर साल लगता है। अच्छा, हर साल लगता है। तो मंदिर है वो भव्य मंदिर, अभी भी बना है, पहले का भी था? हाँ, भव्य मंदिर का अभी मूर्ति स्थापना है आज। सर आप क्या कहना चाहते हो मेले के विषय में, बिग्गा जी के विषय में? बस बिग्गा जी महाराज अच्छे थे, गायों के लिए लड़ाई लड़ी थी और अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे गायों के लिए। क्या मैं पूछ सकता हूँ बिग्गा जी महाराज का जन्म यहाँ बिग्गा गांव में हुआ है? बिग्गा, बिग्गा में रीढ़ी। अच्छा, रीढ़ी में? रीढ़ी में। यहाँ मतलब मंदिर है? यहाँ मंदिर है, लड़ाई यहाँ हुई थी, उनका समाधि इधर है। अच्छा, यहाँ इसी गांव में लड़ाई लड़ी थी? बिग्गा जी महाराज का यहाँ भव्य मंदिर बता रहे हैं और यहाँ पर आज मेला बड़ा भारी मेला लग रहा है, काफी संख्या में लोग आए हैं, क्योंकि मैंने लग रहा है कि बहुत यहाँ जो एक विश्व का मेला लग रहा है। अच्छा है क्या? हाँ, पहले नंबर है, पहले नंबर में मेला। हाँ, हर साल लगता है? हर साल लगता है। इसी दिन? हाँ, देश के। बिग्गा जी के विषय में बता सकते हो आप? बिग्गा जी महाराज के विषय में, बिग्गा जी महाराज की कितनी महिमा है? भाई साहब से पूछे, बिग्गा जी महाराज के विषय में आप कुछ बताइए। मैं गायों के बारे में काम आए हुए है बाहर चढ़े दादू, या लड़ाई गायों के विषय में यही हुई थी? गायों के विषय में कहते हैं कि यहाँ पे तो, यहाँ पर तो है शीश, रीढ़ी में तो है शीश, यहाँ है देवली। अच्छा, यहाँ तो मूर्ति है, अभी मूर्ति स्थापना, मूर्ति आई है भाई। और यहाँ पर बिग्गा जी महाराज की लड़ाई हुई थी और गायों,
बिना शीश लड़ाई हुई। हाँ, सिर कट जाने के बाद भी यहाँ लड़े थे। सिर रीढ़ी में कटा था, यहाँ पे आके रवि यहाँ सिर है वो रीढ़ी में, बिना शीश यहाँ बिगाजी महाराज है वो यहाँ लड़ाई हुई थी। मैं आगे चलकर पूरा का पूरा वो मंदिर है वो हमारे चैनल के माध्यम से जरूर दिखाएंगे। पूरी मोहल्ले के अंदर यहाँ पर पूरी व्यवस्था की गई है, कार्य करने की भी पूरी व्यवस्था है। यहाँ पर देखिए कार्य करने की पूरी व्यवस्था है, देखिए मेला इतना बड़ा भयंकर है कि जबरदस्ती मेला है। आज यहाँ बिग्गा गांव के अंदर, बिग्गा गांव में आज वीर बिगोजी महाराज का मंदिर, ये भव्य मंदिर दिखाने जा रहा हूँ मैं आपको, जहाँ एक नया मंदिर प्राचीन मंदिर यहाँ पर बना है और बिग्गा जी महाराज का एक मेला है यहाँ पर। कहते हैं कि वीर बिग्गा जी महाराज है वो एक बहुत ही हमारे देवताओं में, लोक देवताओं में माने जाते हैं। महिलाएं बच्चे ज़्यादातर यहाँ पर बहुत काफ़ी संख्या में यहाँ पैदल चलकर आते हैं और काफ़ी संख्या में यहाँ पर आज मेला है, बड़ा भारी मेला लग रहा है यहाँ पर, ये वीर बिगोजी महाराज का मंदिर का मेला। तो हम आगे जहाँ बिग्गाजी वीर बिग्गाजी महाराज का जो एक मंदिर, जो भव्य मंदिर, एक राजस्थान में ही नहीं पूरे विश्व में एक मंदिर है, वो प्रसिद्ध मंदिर बन गया। आज यहाँ पर एक मूर्ति स्थापना का जो एक प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम अभी भी यहाँ पर एक लोग बड़े बड़े जैसे दूर दूर से यहाँ आ रहे हैं, महिला आ रहे हैं, वर्द आ रहे हैं और पुरुष भी, वो माइत लोग भी आ रहे हैं। हमें कोई ऐसा इंतजार है कि माइत लोग मिलेंगे तो बातचीत करेंगे। ताऊ जी राम राम सा। राम 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 राम। जय बिग्गा जी महाराज की। जय बिग्गा जी महाराज की। आपको गांव कौन सा है? सिद्धवाड़ा सूरतगढ़ तहसील। अच्छा, दूर से आए हो। हाँ, बिग्गा जी महाराज के विषय में कुछ बता सकते हो आप? बिग्गा जी महाराज के विषय में गान कौन है यार? अच्छा, मेला देखने के लिए आए। मेला देखने। बहुत बहुत धन्यवाद। साफे फेंटे वाला ताऊ जी मिल जाए तो कुछ बात बनेगी। राम राम साहब। राम राम साहब। किस गाँव आप? गुड़ा मालौनी बाड़मेर। अच्छा, आप ही बाड़मेर से हो? यहाँ के लोग नहीं है, क्योंकि हम बिग्गा जी के विषय में थोड़ा पूछना चाहते हैं कि बिग्गा जी महाराज का एक भव्य मंदिर है वो मैं भी देख रहा हूँ कि ऐसा मंदिर हमें भी आज तक नहीं, आगे चलकर बातचीत करेंगे। यह मंदिर एक भव्य, अभी वीर बिग्गा जी महाराज के पुराने पुजारी जी मिल गए हैं हमारे से, संपर्क हो रहा है, बढ़िया सौभाग्य की बात है, मैं बातचीत करूंगा। पुजारी जी राम राम साहब। राम राम साहब। क्या आप यहाँ के पुजारी जी रहे हो? पहले रहे थे। पहले रहे थे। आपका गांव बिग्गा भी है? नहीं, रीढ़ी है। अच्छा, आपका गांव रीढ़ी है। तो आपका नाम है? सही राम जाखड़। सही राम जी, मंदिर तो विशेषता भी सुनी है, मंदिर देख भी रहा है, मंदिर भव्य मंदिर बहुत अच्छे बने हैं। ये मंदिर का अभी नए बने हैं? हाँ, नया बना है। अच्छा, पहले वाला मंदिर? पहले वाला नहीं है, उसके पहले वाले के ऊपर ही बन गया। अच्छा, पहले वाले के ऊपर ही बन गया। तो बिग्गा जी के विषय में कुछ आप बता सके हो, कौन सा गांव था बिग्गा जी महाराज का? वो रीढ़ी गांव था। अच्छा, जन्म भूमि रीढ़ी थी। रीढ़ी। और यहाँ आकर वो शहीद हो गए था ना, वहाँ यहाँ दरदेवली है और रीढ़ी में शीश देवली है। गायों के विषय में? हाँ, गायों के विषय में वो बाहर चढ़े थे, अपना मतलब गायों के विषय में शीश दान दे दिया था यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल। इसके बाद मतलब लोक देवता में माने गए? माने गए बिल्कुल। क्या मैं ये पूछ सकता हूँ रीढ़ी में भी मंदिर है बिग्गा जी महाराज? हाँ बिल्कुल है, मंदिर है। अच्छा, मंदिर भाई वहाँ पर भी मेला लगता है? मेला लगता है। इसी जगह मेला अब भी लगा है? पहले भी लगता? पहले भी लगता था और अभी भी लगता है, हर साल इसी दिन। बिल्कुल। तेर्स का लगता है, हिंदी महीनों में आसोज के तेर्स का मेला लगता है यहाँ पर भी? यहाँ पर भी। आज जैसे भीड़ हो रही है, इतनी भी भीड़ होती है? इतनी भी भीड़ होती है। आप कहाँ से आए हो? आप शेरुना से? आप शेरुना से आए हो। आगे जो सफेद फेंटे वाला बाबूजी है उनसे बातचीत करेंगे। ताऊ जी राम राम सा। राम राम। आप लोग गाँव किस हो? गाँव है बाना शेरुना में। बाना? ओ, रीढ़ी बाना कह रहे, ये मशहूर है रीढ़ी बाना, सुना है मैंने भी, देखा भी है। तो जानते हैं, हम तो मशहूर का नहीं कह सकते। नहीं नहीं, सुना है, मशहूर भी सुना। रीढ़ी बाना साथ ही बोलते। ताऊ जी आपको नाम है? नाम प्रभु राम। जाट समाज में हो क्या? जाट समाज। बिग्गा जी के विषय में थोड़ी हमें बातचीत बताओ। नहीं, बिग्गा जी है वो के समाज में, वो तो जाट थे लेकिन कौन से जाट? मैं तो नहीं, वो बिग्गा जी महाराज बाना गोद से हो, बिग्गा जी जाखर समाज से। जाखर समाज में वीर देवता लोक देवता के माने जाते हैं वो, गायों के बचाव के लिए उन्होंने बलि दी थी। गायों की बचाव जैसे वीर चचा जी महाराज दी थी उसी? हाँ, उसी तरह उसी 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 भांति। आप ताऊ जी के काम धंधो करो? ठूंढिया खोदा और पेट भरा। ट्यूबवेल क्षेत्र है? खेती बाड़ी का सिंचाई क्षेत्र है। हाँ, सिंचाई क्षेत्र, कुआ वगैरह भी है। आज हमें बहुत एक ऐसा लग रहा है कि बिग्गा जी महाराज की प्रति बहुत आस्था है यहाँ पर, बहुत पब्लिक इकट्ठी हो रही है, शांतिपूर्वक मेला देख रहे हैं। हर समय हमें एक ऐसे ही बिग्गा जी महाराज से अरदास करते हैं कि
पब्लिक को ऐसे ही शांतपूर्क रखे। बढ़िया है, मेला वगैरह होता है तो वास्ता से भावना से होता है, तो इसमें शांति प्रिय रहना भी अनिवार्य होता है। इसमें कोई राजनीति नहीं फैलानी चाहिए। राजनीति नहीं है, कुछ कुछ लोग उग्रवाद तत्व तो करते हैं, ऐसे नहीं, वो चलते नहीं है यहाँ। तो बाबू जी मैं ये पूछ सकता हूँ कि यहाँ कोई 2-3 दिनों का कथा कोई प्रोग्राम चल रहा था? मैं तो आज ही आया हूँ, लंबा प्रोग्राम अटेंड नहीं करता हूँ ज्यादा। हाँ जी, 18 तारीख से चल रहा है ये। 18 तारीख से प्रोग्राम चल रहा था, आज मूर्ति नावर। आज मूर्ति प्रोग्राम। और भी हमारे साथ मेहमान जुड़ेंगे, उनसे बातचीत करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं मंदिर दिखा देता हूँ। बहुत बड़े मंदिर है ये। तो ये मंदिर का निर्माण अभी लगता है कि अभी चालू है, लेकिन मंदिर इतना जबरदस्त मंदिर है, वीर बिगाजी महाराज का नया भव्य मंदिर है, जो अभी तक यहाँ पर मैंने नहीं देखा। और आगे चलकर मैं मंदिर का पूरा विवरण बताऊंगा। यहाँ पर जब यात्री लोग आते हैं तो ठहरने की भी यहाँ पर उत्तम व्यवस्था की गई है, और पुलिस बल का भी यहाँ पर हो सकता है पूरा प्रबंध किया गया है, और कार्यकारिणी का भी यहाँ पूरा प्रबंध किया गया है। मैं दिखाने जा रहा हूँ वीर बिगाजी महाराज का मंदिर, जो आज एक हमारे चैनल के माध्यम से एक बड़ा महत्व का दिन है। किसानों का सबसे बड़ा साधन ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर वाले भाई साहब से संपर्क कर ले, और फेंटा भी बांध कर रखा है। राम राम भाई साहब। किसे कहूँगा हो? मैं तो रिपरा का, हनुमानगढ़ जिले का। हनुमानगढ़ जिले के हो? अच्छा, बिगाजी महाराज के आगे। हाँ जी। अभी आए हो, पहली बार आए हो? मैं तो यहाँ आते रहे साली, वहाँ पहले भी आते हो। हाँ, बिगाजी महाराज की महिमा के विषय में बताओ। बताओ, योगी जी बताओ। अच्छे अच्छे।